अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आप देख रहे हैं बेगम किचन। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूं अफगानी कबाब की, जो वाइट सॉस के साथ बहुत ही यम्मी लगती है। तो ना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिया है मटन, आधा किलो मैंने मटन लिया है जो चिकनाहट वाला है। यहाँ लिए हैं काली मिर्च और लौंग, हरी इलायची, और साथ ही हम ले लेंगे दो बड़ी इलायची, और इसके साथ हम लेंगे हरी मिर्च। मैंने यहाँ हरी मिर्च ली है चार, लहसुन कलियाँ, एक प्याज थोड़ा सा, और अदरक का टुकड़ा, तकरीबन एक इंच का अदरक होगा। और यहाँ नमक ले लेंगे। तो हमारे इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, और इसमें बस थोड़ा सा धनिया और डाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को हम एक ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। तो हमें इसका अच्छा, अगर आपके ब्लेंडर में कीमा अच्छे से नहीं ब्लेंड हो पाता है, तो आप इसके मशीन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, और बस चटनी डाल के, इन सारे इंग्रेडिएंट्स की चटनी डाल के और एक कीमा तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से मेरे ब्लेंडर में बड़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा टुकड़े, बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं रखे थे, मीडियम साइज़ के रखे थे, और इसको अच्छे से ब्लेंड हो गया। ये परफेक्ट ब्लेंडिंग है हो चुकी है हमारे कीमे की। अब हमारे ये नंबर आया है कबाब रोल करने का। तो एक स्ट्रॉ ले ली है, उस स्ट्रॉ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीस करके, और अपने कबाब के लिए मेरे चार कबाब बनेंगे। अब मैंने इसके साइज अलग अलग कर लिया है। इस तरीके से आपने दबाते हुए बनाना है कबाब, ताकि हमारा कहीं से फटे ना। जब ये बनता है तो थोड़ा सा हटने लगता है, खुलने लगता है कबाब। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से दबाते हुए बनाएं। कबाब हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमने बना लेना है दबाते हुए सब तरफ। अच्छा, आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आप कीमा लें या आप जो भी मटन ले रहे हैं या चिकन ले रहे हैं या बीफ ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा रूखा ना लें, क्योंकि चिकनाहट अगर होती है, थोड़ी सी चिकनाहट वाला किए हों गोश्त लें, ताकि आपका जो कबाब है वो जूसी बने। अगर हम रूखा लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइट से बनते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन को लिया है, उसको प्री हीट करके इस पर रख दिए हैं कबाब। अब हमें कुछ नहीं करना, बस अब हमें थोड़ा सा ग्रीस करना है, हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे, और इसका करने के बाद हम इसको हर तरफ से सेकेंगे। अब धीमी आंच पे सेकना है। आपने ये याद रखिएगा, बिल्कुल फ्लेम आपकी लो फ्लेम पे आपको ये कबाब बनाना है, ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाए, और हमारा कोई भी जितनी जल्दी ये सीखने लगेंगे उतनी जल्दी ये सिकुड़ते जाएंगे। थोड़े से सिकुड़ेंगे और थोड़ा सा टाइट होगा, क्योंकि गोश्त है कुछ, तो वो थोड़ा सा सिकुड़ता है आँच पे। तो बहुत ही लो फ्लेम पे आपने इसको सेकना है, धीमी धीमी आँच से। अगर आपके पास अंगीठी है तो वो अच्छी बात है, आप उस पर सेक सकते हैं, बहुत यम्मी बनेगा। और अगर नहीं है तो पैन पे भी आप आराम से सेक सकते हैं। तो देखिए, मेरे कबाब बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार होने जा रहे हैं, और थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको, और फिर ये तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद ये तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो के ये तैयार हैं, क्योंकि इनकी सरफेस तो बहुत अच्छी हो रही है, अंदर से भी ये पक चुके हैं। आप एक बार चेक करके आप निकालिएगा इसे ज़रूर। कबाब तैयार है, अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए हमने लिया है कर्ड, हंग कर्ड है ये, और इसमें मैंने एक चम्मच चाट मसाला डाला है, और दो चम्मच मेयोनी डालेंगे इसमें। आप इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, एक चम्मच फ्रेश क्रीम भी अगर आप डालेंगे तो और भी यम्मी बनेगा। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये दो इंग्रेडिएंट, तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करके साइड कर लें। और हमारे कबाब ठंडे हो चुके हैं थोड़े, तो अब मैं इनको कट कर लूँगी
इस तरीके से हम कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं और बहुत ज़्यादा मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लेंगे। अब हमने पैन में बटर लिया है, 2 क्यूब बटर के डाल देंगे। जब तक ये मेल्ट हो रहा है उसके बाद हम कबाब रख देंगे। इस तरीके से हमने कबाब को दोबारा से बटर में फ्राई करना है। इस तरीके से बटर में फ्राई करने के लिए बहुत ही उमदा टेस्ट आता है, क्रीमी सा। इसको थोड़ा सा देर ढक के रख देंगे, 5-10 मिनट। 5 मिनट के बाद आप इसे दोबारा से पलट देंगे और फिर देन 5 मिनट के लिए और रख देंगे। साइड डिश की चेंज कर देंगे। पाँच मिनट के बाद हमें इसमें जो कर्ड हमने मिक्सचर बनाया है वो डालेंगे और सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए बस इसको करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा कर्ड जो है वो एकदम फटने लगेगा और हमारा ये जो क्रीम स्ट्रक्चर है वो अलग रूप ले लेगा। तो ये हमारा तैयार हो चुका है क्रीमी अफगानी कबाब, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और मैं इनको टेस्ट करा के दिखाती हूँ कि वो क्या राय देते हैं। तो चलिए आप भी खुद टेस्ट करिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमारे साथ बने रहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपना खूब ख्याल रखिए, खुश रहें, आबाद रहें। चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।